बेटा हम यूनिट नंबर 5 कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो उसमें आप कौन कौन से डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। अभी तक हमने दो डैमेजेस देखे थे, वो कौन कौन से थे उसे जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं, और फिर जो नए डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो उसे पढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको इस यूनिट नंबर 5 में डैमेजेस में बताया था वो कौन कौन से डैमेजेस बताए थे, एक तो मैंने अभी आपको समझाए थे लिक्विडेटिंग डैमेजेस, और एक मैंने आपको समझाए थे ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या फ़र्क बताया था? लिक्विडेटिंग का मतलब होता है जो आप एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं, जो आप एसर्टेन करते हो किस समय, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। और ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो एक्चुअल डैमेजेस आपको हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के समय। तो वो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। अब जल्दी से आगे चलते हैं कि और कौन कौन से डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशल डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। भैया इसका एग्जांपल क्या है समझते हैं कि स्पेशल डैमेजेस में कौन कौन से डैमेजेस आते हैं। समझना बात को बड़े ध्यान से बेटा। स्पेशल डैमेजेस का मतलब वो ऐसे डैमेजेस जो किसी स्पेशल सर्कमस्टांस के कारण क्रिएट हुए, कोई ऐसे डैमेजेस जो किसी स्पेशल सर्कमस्टांस के कारण क्रिएट हुए। तो बेटा उसे विद एन एग्जांपल ही समझेंगे कि स्पेशल सर्कमस्टांस के कारण कौन से डैमेजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ बड़ी जल्दी से, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि वो कौन से डैमेजेस हो सकते हैं। तो जल्दी से लेते हैं बेटा एक एग्जांपल, रुको। मैं बेटा आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये स्पेशल डैमेजेस होंगे, ये स्पेशल डैमेजेस कब क्रिएट होंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्रिएट होंगे। तो जल्दी से समझते हैं कि कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्पेशल डैमेजेस, एग्जांपल के थ्रू बेटा। तो सुनो बात को ध्यान से बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने, आज तारीख है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जुलाई 2020, ठीक है, मैंने किसी बिल्डर को कहा कि भाई तू मेरे लिए एक बिल्डिंग बना दे। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। उसने कहा मैं बिल्डिंग आपकी 10 जुलाई 2020 को बनाना स्टार्ट करूंगा और 3 महीने 10 जुलाई 10 अक्टूबर 2020 तक बिल्डिंग बना के आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 10 अक्टूबर 2020 को बिल्डिंग बन के तैयार होगी। तो मैंने किसी एक्स पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। मैंने कहा भाई अपना 10 अक्टूबर को ना बिल्डिंग रेडी हो जाएगी मेरी खुद की, तो मैं तुझे वो बिल्डिंग 10 अक्टूबर को रेंट पे दे दूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे 10 अक्टूबर को हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग 10 अक्टूबर की जगह कब रेडी हुई, बिल्डिंग रेडी हुई 10 नवंबर को। कब रेडी हुई, 10 नवंबर 2020 को। तो मुझे 1 महीने का जो रेंट का नुकसान है, एक तो ये हो गया रेंट का लॉस, क्योंकि मैं उसे बिल्डिंग रेंट पे दे नहीं पाया और मैंने उसे कहा था कि मैं 10 अक्टूबर को दे दूंगा। समझते रहना पहले पूरा एग्जांपल, ठीक है भैया। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर में ही कहीं बाहर चला गया था घूमने। आपको पता है इतने बड़े एसोसिएशन के मालिक अपना इंडिया में तो रहते नहीं, कभी कहीं कभी कहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं आउट ऑफ इंडिया कहीं घूमने चला गया था, मैं अक्टूबर में बाहर गया और मैं नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में वापसी आया, ठीक है। अब हुआ क्या, 10 नवंबर को उसे बिल्डिंग मिल गई थी, वो 10 नवंबर से वहाँ रहना शुरू कर रहा है उस बिल्डिंग में अपने आप ही। अब हुआ क्या, जब 10 नवंबर वो बिल्डिंग में रहना शुरू किया, फॉर एग्जांपल दिसंबर में उस बिल्डिंग में क्या हुआ, जो भाई नया नया घर बना था तो घर में कुछ कमी थी, जो उसकी डाउन सीलिंग वगैरह थी वो डाउन सीलिंग क्या हुई, गिर गई। तो घर में कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, मतलब घर में जो सामान लगा हुआ था वो इतनी लो क्वालिटी का था कि बेचारा वो उस घर को, उसने बेचारे को दिसंबर को दोबारा वो घर क्या करना पड़ा, विकेट। क्यों, क्योंकि भाई जो डाउन सीलिंग हो रखी थी वो डाउन सीलिंग क्या हुई, गिर गई। तो बेचारा वो उस घर में रह ही नहीं सकता था। अब मैं हूँ कहाँ, इंडिया के बाहर,
दिसंबर में भाई का क्या हुआ कि ये डाउन सीलिंग वगैरह गिर गई, तो उसे दिसंबर में दोबारा घर को क्या करवाना पड़ा, रिपेयर। रिपेयर तो उसे नहीं कराना चाहिए था क्योंकि उसने रेंट पे ले रखा था। ये तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी ड्यूटी होती है, लेकिन लैंडलॉर्ड मैं कहाँ हूँ, बाहर हूँ। तो उसने उसको क्या करवाया, रिपेयर कराया। फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में उसका पूरा रिपेयर पे काफ़ी पैसा लग गया। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर करवाने में 2 लाख रुपये उसके लग गए, और दिसंबर में वो दोबारा, क्योंकि भाई घर पे रिपेयरिंग चल रही थी तो वो उस फ्लैट में रह नहीं सकता था, उस बिल्डिंग में रह नहीं सकता था, उसने फिर दोबारा वो दिसंबर में वो बिल्डिंग खाली करके कहीं और रहा। तो अब हुआ क्या, मुझे कौन कौन से, अब भाई जनवरी में वो दोबारा मेरे घर में रहना स्टार्ट कर देता है। अब मैं फरवरी को यहाँ आता हूँ, मुझे सब पता चलता है क्या कि भाई एक तो मुझे जो अक्टूबर का रेंट मिलना चाहिए था, अक्टूबर का रेंट वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बिल्डर ने बिल्डिंग स्टार्ट नहीं करके दी थी। सामने वाले का 2 लाख रुपये लग गया रिपेयर रेनोवेशन में, जो उसने रिपेयर कराई 2 लाख रुपये उसे रिपेयर पे लग गया। और एक और बात, थर्ड पॉइंट, दिसंबर के रेंट का भी मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब ये सारे नुकसान मुझे हुए हैं। एक बात, जो 2 लाख रुपये टेनेंट ने खर्च करे थे बिल्डिंग को रिपेयर करवाने के लिए, ये 2 लाख रुपये तो मैं उसे दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी जेब से गए थे, मैं उसे दे दूँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, जो मेरा अक्टूबर के मंथ का रेंट का नुकसान हुआ, ये तो मैं बिल्डर से कवर करूँगा ही। ये क्या कह के कवर करूँगा, ये कहूँगा कि भाई ये तो मेरा है ऑर्डिनरी डैमेज, तूने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करा तो 1 महीने का मुझे नुकसान हुआ, ये तो हुआ ऑर्डिनरी डैमेज। लेकिन जो ये रिपेयर पे खर्चा हुआ सामने वाली पार्टी का, इस रिपेयर को मुझे स्पेशल कराना पड़ा क्योंकि तूने घर सही से बना के नहीं दिया था। अगर घर सही से बना के देता तो 1 महीने में डाउन सीलिंग का गिरने का कोई मतलब नहीं था। मैं 2 लाख रुपये भी उससे डैमेज करूँगा, दिसंबर का रेंट भी खाली इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि बिल्डिंग सही से नहीं बनी थी। ये दोनों जो डैमेजेस हैं, ये डैमेजेस कौन से हो जाएंगे, स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब है जो ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है, स्पेशल का मतलब जो किसी पर्टिकुलर केस में अराइज हुआ। स्पेशल का मतलब क्या है, जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि किस केस में भी अराइज हो सकता है। तो ये जो रिपेयर का खर्चा हुआ जो टेनेंट ने दे दिया था पहले, अब मैं उसे बिल्डर से आके रिकवर करूंगा तो उसे क्या कहेंगे, स्पेशल डैमेजेस। बेटा कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे से पूछ लो, वरना ये देखो स्पेशल डैमेजेस मतलब ये किन केसेस में होगा, खाली स्पेशल सर्कमस्टांस के केसेस में। जो सेकंड मंथ का रेंट है ना, जो सेकंड मंथ का रेंट है वो कौन सा है, स्पेशल डैमेजेस। जो सेकंड मंथ का रेंट है, जो मुझे सेकंड मंथ का रेंट नहीं मिला वो क्या है, स्पेशल डैमेजेस है। क्या बात क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ बेटा जल्दी से मुझे, कोई प्रॉब्लम, कोई, जो 2 लाख है वो बिल्डर देगा। हाँ बेटा वासु, जो 2 लाख रुपये है वो कौन देगा, बिल्डर। सारी गलती बिल्डर की है ना, आपने किसी से अभी घर बनवाया और उस बिल्डर ने इतनी लो क्वालिटी का सामान लगा के दिया था, तो ऑफकोर्स वो बिल्डर ही देगा। Why first month damage is not special? बेटा first month का special कैसे हो गया, first month का तो ordinary course में हुआ कि आपने building time पे नहीं दी तो इसलिए मुझे पैसे नहीं मिले, तो first month का तो simple ordinary है बेटा शिव, first month का special नहीं है। So last हुआ special, हाँ बेटा clearly बताया शिवम, last हुआ special। शायद बात आपको स्पेशल डैमेजेस की क्लियर होगी होगी, लिक्विडेटिंग, ऑर्डिनरी और स्पेशल, तीनों में डिफरेंस शायद क्लियर है। जल्दी से जो लास्ट के 2-3 छोटे छोटे हैं उसे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज, मतलब अगले वाला तो बहुत ही बढ़िया, विंडिक्टिव, जिसमें लिखा प्यूनिटिव, इन्वॉल्विंग पनिशमेंट या एग्जम्पलरी डैमेजेस, सेटिंग एन एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे हम ऐसे डैमेजेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोर्ट, बेटा पहले में तो पैसे दे के छूट गए, यहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, मैं आपको ऐसी सज़ा दूंगी जो बाकियों के लिए एक एग्जांपल की तरह काम करे, कि एक ऐसी सज़ा मिली ऐसे काम करने में कि कोई भी ऐसा काम जल्दी से करने का सोचे मत। यहाँ पे फाइनेंशियल के साथ साथ आपको अलग से पनिशमेंट भी दी जाएगी। मतलब कोर्ट ये चाहती है कि ऐसे काम कभी भी ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ब्रीच ना हो, और अगर करोगे तो आपको बहुत खतरनाक सज़ा मिलने वाली है। भैया ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो देखो यहाँ पे ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए,
जहाँ कोर्ट ये कह रहा है कि एग्जाम्पल बनेगा, अगर आपने ऐसा काम करा तो ऐसी सज़ा दूंगी कि जिससे कि एक एग्जाम्पल बनेगा। तो भैया कौन से हैं तो समझते हैं, एक तो मैरिज को कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और चेक को डिसऑनर करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट क्या कहती है, कहती है जब आप किसी के साथ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपने किसी से वादा किया कि भाई मैं 2-3 महीने बाद आपसे शादी करूँगा या शादी करूँगी, और लास्ट मोमेंट पे आप उसे मना करते हो कि मैं शादी अब नहीं कर सकता या मैं शादी नहीं कर सकती। तो कह रहा है ऐसे केस में आपको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे केस में सामने वाले को फाइनेंशियल के साथ साथ जो इमोशनली कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है ना, जो इमोशनली वो ब्रेक डाउन हुआ है, उसका आपको कहीं ना कहीं क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। जैसे सलमान खान से पूछो बेटा, सलमान खान बेचारा ऐश्वर्या से शादी नहीं कर पाया, तो पता नहीं बेचारा इमोशनली कितना उसे कहीं ना कहीं बर्डन फेस करना पड़ा होगा। एक एग्जांपल की बात है कि कोर्ट ये कहती है कि मैरिज एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपके सेंटिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें मजाक नहीं चल सकता। तो अगर आप जिसमें मैरिज में सेंटिमेंटल फीलिंग को अगर आप हर्ट करते हो, तो आपको ऐसी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए भी एग्जांपल बने। और दूसरी बात लिखा है चेक डिसऑनर हो जाना। आपको पता है कितने बिजनेसमैन चेक काट के दे देते हैं, और हमने वहाँ पेमेंट के लिए उसे लगाया और वो डिसऑनर हो गया। तो कोर्ट कहती है ऐसे काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि जहाँ चेक डिसऑनर हो रहा है, और जितनी छोटी अमाउंट का चेक डिसऑनर होगा उतनी बड़ा आपको क्या मिलना चाहिए डैमेजेस, उतनी ज़्यादा आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी छोटी अमाउंट होगी। भैया ऐसा क्यों बेटा, किसी का 100 या 500 रुपये का चेक बाउंस हो रहा है, तो कोर्ट क्या कहते हैं कि भाव 100-500 रुपये भी नहीं है और आपने चेक काट के दे दिया, तो आपको बड़ी कंपनसेशन देना पड़ेगा, ज़्यादा डैमेजेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी का 5 लाख रुपये का चेक बाउंस होता है, तो कोर्ट मानती है ठीक है 4.5 लाख रुपये थे, 50,000 नहीं थे, तो इतना ज़्यादा आपको पनिशमेंट नहीं देंगे। तो बेटा ये तो लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन एक सेकंड प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बता दूं। क्या आपको लगता है कि चेक डिसऑनर नहीं होते? बेटा होते हैं, कोई कोर्ट नहीं जाता, कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। क्या मैरिज कैंसिल्स नहीं होती भैया? बिल्कुल होती है। क्या भैया कोई कोर्ट जाता है, किसी को पनिश मिलते है? बेटा किस पे इतना टाइम है, समझो प्रैक्टिकली। ये तो बुकिश में जो लिखा था, जिस वे में लिखा था, मैंने आपको उसके साथ समझा दिया। लेकिन कितने बच्चे फिर प्रैक्टिकली, भैया हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या, सामने वाले को बहुत अच्छी पनिशमेंट मिलेगी? बेटा बहुत टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, मनी चाहिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है कोर्ट में जाने का। तो शायद आपको बातें क्लियर होंगी। जल्दी से छोटे छोटे जो दो हैं उसे ख़त्म करें, और ये पूरा डैमेजेस का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ नॉमिनल डैमेजेस, और लास्ट वन इज़ डिटीरियोरेशन कॉज बाय डिले। पहले नॉमिनल। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब है जहाँ पे कोई रियल डैमेजेस हुए ही नहीं हैं। या जैसे कि कोई रियल डैमेजेस नहीं हुए, हम समझे नहीं, समझो बेटा। नो रियल डैमेजेस का मतलब क्या है? नो रियल डैमेजेस का मतलब ये था, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई तू मुझे 2 दिन बाद वीट की डिलीवरी करेगा एट द ₹10 per kg, ठीक है। 2 दिन बाद उसने डिलीवरी नहीं करी, और मार्केट में भी उस दिन रेट क्या है, ₹10 per kg। क्या मुझे कोई नुकसान हुआ भाई? 10 रुपये की वहीं से मिलती, 10 रुपये की कहीं और से ले लो। देखा जाए तो कोई रियल डैमेजेस नहीं है, तो भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे केस में मुझे मिलेंगे नॉमिनल डैमेजेस। ऐसे केस में कोर्ट कहेगी बेशक सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तब भी आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। क्यों? डैमेजेस इसलिए देनी पड़ेगी जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस बनी रहे, वरना लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और ड्यू डेट पे आके मना कर देंगे कि भाई मार्केट में भी तो ये चीज़ इतने की मिल रही है, मैं नहीं दे रहा, मार्केट में ले ले, तो ये तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि जहाँ पे रियल डैमेजेस नहीं हो रहे हैं और कोई डैमेजेस भी सामने वाली पार्टी को नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं पार्टियों का जो इसकी रिलायबिलिटी है वही ख़त्म हो जाएगी। पार्टी कहेंगी अच्छा हमने एक तो कॉन्ट्रैक्ट करा और एक्चुअल में नुकसान नहीं हुआ, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट है कि अगर आपको रियल डैमेजेस नहीं भी हुए, तब भी आपको कोर्ट क्या रिवॉर्ड जरूर देगा, तब भी आपको नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। नॉमिनल डैमेजेस में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई रियल डैमेजेस नहीं है, लेकिन तब भी आपको दे रहे हैं
जिससे कि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे, कोई बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करे। और लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, बहुत ईजी, डिटीरियोरेशन कॉस्ट बाय डिले, जिसमें क्या लिखा है, अगर आपको कोई नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया, वो नुकसान हुआ डिले के कारण, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1 जुलाई को एप्पल की डिलीवरी देनी थी, ऑरेंज की डिलीवरी देनी थी, किसी पेरिशेबल गुड्स की डिलीवरी देनी थी 1 जुलाई को, वो 1 को ना दे के 4 जुलाई को मिले मुझे, क्या आपको लगता है अगर वही चीज़ मुझे 1 जुलाई को मिलती वो कुछ अलग रेट पे सेल हो सकती थी? लेकिन जब वो मुझे 4 जुलाई को मिलेंगे एप्पल ऑरेंज जो ये पेरिशेबल गुड्स है, वो उस रेट पे नहीं बिक पाएंगे, मुझे नुकसान हो जाएगा। बताओ क्या आपको लगता है या नहीं, क्या कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होगा? हाँ भैया नुकसान हो जाएगा। तो वो जो नुकसान हो जाएगा वही उसे हम क्या कह रहे हैं, डिटीरियोरेशन कॉस्ट बाय डिले। तो वो डिटीरियोरेशन जो आपको हो रहा है उसके आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो वो हो गया डिटीरियोरेशन कॉस्ट बाय डिले। तो बेटा आज हम सब ने ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 में जो डैमेजेस का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।